सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं HDFC, ICICI या एक्सिस बैंक का कोई भी डेबिट कार्ड हो गया कैसे आप उसे EMI फैसिलिटी इनेबल कर सकते हो। मान के चलिए आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों को बाय करना है, सो आप उसे EMI पे लेना चाहते हो, सो आपका डेबिट कार्ड यूज करोगे तो सो इसमें EMI का फैसिलिटी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोगों मैं इस वीडियो में प्रूफ के साथ में आप लोगों को तरीका बताने वाला हूँ कैसे आप भाई अपना EMI फैसिलिटी इनेबल कर सकते हो। मैंने भाई अपना इनेबल किया है, करवाया है, आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड प्लस कितने का लिमिट है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। सो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहना। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हम आ चुके अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे। सबसे पहले आप लोगों को मैं प्रूफ देना चाहूंगा कि मैं भाई इसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, अपने डेबिट कार्ड से भाई मैं कोई भी प्रोडक्ट EMI पे बाय कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। सो सबसे पहले मैं चलूंगा Amazon पे। Amazon पे जाके आप लोगों को मैं दिखाता हूं मेरा HDFC का डेबिट कार्ड यहां पे मैंने ऐड कर रखा है, एंड प्लस मैं EMI पे कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। सो सबसे पहले यहां पे देख लीजिए, मैं इस पे सर्च करूंगा लैपटॉप हो गया या कोई भी यहां पे प्रोडक्ट हो गया। सो मान के चलिए ये लैपटॉप आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करूंगा, इसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट अपना सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको बाय के ऑप्शन पे चलना है। सो यहाँ पे ओपन हो जाने देते हैं। सो देख लीजिए यहाँ पे भाई लैपटॉप ओपन हो चुका है। सो सिंपल सा इस पे हम क्लिक करेंगे। मान के चलिए मैं यही लैपटॉप बाय करना चाहता हूँ और अपने HDFC का EMI पे लेना चाहता हूँ। सो सिंपल सा यहाँ पे देख लीजिए बाय नाउ पे हम क्लिक करेंगे। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है कौन सा बैग लेना चाहते हो, ये लेना चाहते हो या ये लेना चाहते हो या ये वाला लेना चाहते हो। सो भाई मैं ये वाला बैग लेना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐड कर दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बाय नाउ पे मैं क्लिक कर दूंगा। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए मेरा भाई जो Amazon बैलेंस है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे Amazon पे लेटर नहीं बताया जा रहा है क्योंकि भाई उतना मेरे को लिमिट नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए HDFC डेबिट कार्ड आप लोगों यहाँ पे लास्ट में शो किया जा रहा है मेरा जो डेबिट कार्ड का नंबर है, एंड यहाँ पे एक्सपायरी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भाई मैं दो चीज से EMI पे ले सकता हूँ, एक बजाज फाइनेंस से ले सकता हूँ जो अभी इसमें एलिजिबल नहीं है, दूसरे में कभी कभी एलिजिबल रहता है, लेकिन HDFC से मैं तुरंत ले सकता हूँ। इस पे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे CVP नंबर डाल के पेमेंट फुल कर सकता हूँ या अदरवाइज EMI पे चाहिए इस पे हम क्लिक करेंगे। कितने महीने का आप EMI लेना चाहते हैं, 9 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का या फुल पे लेना चाहते हैं वो डिपेंड करता है आप पे। सो मैं यहाँ पे 6 महीने का अगर लेना चाहूंगा तो हर महीने मेरे को 12,000 रुपए पे करना पड़ेगा, या अदरवाइज मैं 9 महीने का लूंगा तो मेरे को हर महीने 8,673 रुपए मेरे को पे करना पड़ेगा। सो इसमें से अपना चॉइस कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे चॉइस कर लिया। एंड उसके बाद आप लोगों को अपना CVP नंबर डाल देना है। CVP नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सो इजिली आप इसे बाय कर लोगे एंड बैंक वेरीफाई कर देगा, Amazon वेरीफाई कर देगा, फिर उसके बाद आपका प्रोडक्ट भाई आपके एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाता है। जो भी भाई डिलीवर का टाइम लगता है उतने बीच में आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को HDFC का दिखा दिया। अब चलते हैं भाई अपना बजाज का दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए बजाज का आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो चलिए हम अपना कोई दूसरा प्रोडक्ट भाई सिलेक्ट करते हैं। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है बजाज फाइनेंस का आपका जो कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट है वो यहाँ पे शो किया जा रहा है। मेरे नाम से भाई कार्ड है, 2031 तक ये भाई वैलिडेट है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है EMI पे कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कि 6 महीने तक आप भाई ले सकते हो, 0 कॉस्ट यहाँ पे रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो सिंपल सा अपना यहाँ पे प्लान चॉइस कर लेना है। यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा प्लान चॉइस हो चुका है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे आपका इजिली बाय हो जाएगा, यानी तो HDFC से चाहो तो यहाँ पे HDFC से भी आप ले सकते हो, लेकिन आप लोगों को इसमें भाई इंटरेस्ट आप लोगों को देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए इतने का आप लोगों को इंटरेस्ट यहाँ पे लिया जा सकता है। सो भाई HDFC हो गया, ICICI हो गया या अदर कोई भी क्रेडिट कार्ड हो गया या डेबिट कार्ड हो गया, कोई भी बैंक हो गया, वो भाई इंटरेस्ट लेती है, लेकिन जो बजाज फाइनेंस है वो 0 इंटरेस्ट पे आप कोई भी प्रोडक्ट EMI पे बाय कर सकते हो। अगर आप लोगों को बजाज फाइनेंस कार्ड अप्लाई करना है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रखा हूं कैसे अप्लाई करना है, आप चेक कर सकते हो एंड आप भी अप्लाई कर सकते हो। सो अब चलिए भाई अब मैं आप लोगों को यहां पे प्रूफ दूंगा कि भाई मेरा कार्ड जो है डेबिट कार्ड जो है वो एलिजिबल है या नहीं है। सो सबसे पहले यहां पे 17 मार्च को मेरे को मेल आ गया था HDFC की तरफ से कि अगर मैं डेबिट कार्ड पे कोई भी प्रोडक्ट EMI पे बाय करता हूं तो यहां पे 1,000 रुपए वाउचर मेरे को देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहां पे देख सकते हो मेरा यहां पे लास्ट का डेबिट कार्ड का नंबर यहां पे शो किया जा रहा है। प्लस नीचे में स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे इतने सारे ब्रांड यहां पे देखने को मिल जाएगा। इन सब पे कोई भी मैं प्रोडक्ट बाय करता हूं मेरे को 1,000 का भाई वाउचर मिल जाएगा। यहां पे आप लोगों को नीचे में देखने को मिल जाएगा योर प्री अप्रूव्ड डेबिट कार्ड EMI लिमिट मेरे को यहां पे 55,000 रुपए कर दिया गया है, मतलब कि मैं 55,000 का कोई भी प्रोडक्ट बाय करता हूं सो EMI पे भी कन्वर्ट कर सकता हूं। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि 55,000 का नहीं, मैं 72,000 का भी कोई भी प्रोडक्ट लेता हूं तो मेरे को EMI पे भी मिल रहा है, मैं कन्वर्ट इजिली कर सकता हूं। सो यहां पे आप लोगों को लिमिट जो रहेगा उस लिमिट से भाई कुछ ना प्रोडक्ट जो रहेगा ज्यादा रहेगा। जैसे कि 72,000 का मैं प्रोडक्ट भाई EMI पे बाय कर रहा हूं वो भी EMI पे कन्वर्ट हो रहा है, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा
बताऊंगा मैं जब EMI पे भाई डेबिट कार्ड कन्वर्ट करवाया था सो मेरे को कितना लिमिट मिला था। सो मेरा ये सेकंड लिमिट है, मैंने अभी 55,000 दिखाया, वो मेरा थर्ड लिमिट है, मतलब तीसरे बार अपग्रेड कर दिया गया है जो मेरा यहाँ पे 55,000 का लिमिट हो चुका है। दूसरे बार अपग्रेड हुआ था मेरा 22,000 का लिमिट था। एंड उसके बाद यहाँ पे अपना एक और मेल दिखाना चाहूंगा जो मेरा फर्स्ट मेल था, जो मेरा फर्स्ट मेल था यहाँ पे 10,000 का लिमिट था, मतलब 10,000 के अंडर में कोई भी प्रोडक्ट बाय करूंगा EMI पर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन भाई तीन बार अपग्रेड हो चुका है। अब ये कैसे अपग्रेड हुआ आप लोगों में इस वीडियो में पूरा इजीली समझाने वाला हूँ। सो अब यहाँ पे आप ध्यान से समझ लीजिए, जैसे कि आपका डेबिट कार्ड है ICICI का हो गया, HDFC का हो गया, कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ेगा, मेरा डेबिट कार्ड है, ये डेबिट कार्ड का नाम है। आप लोगों को इजीली उनको ये कहना है कि मेरे को डेबिट कार्ड EMI फैसिलिटी भाई इनेबल करवाना है ताकि मैं डेबिट कार्ड से कोई भी प्रोडक्ट बाय करूँ तो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकूँ, तो EMI में कन्वर्ट कर सकूँ, EMI से कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकूँ। वो आपसे भाई टाइम मांगते हैं, 72 घंटे के अंदर आपका ये जो मेल रहेगा रिसीव हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा फर्स्ट मेल यहाँ पे रिसीव हुआ था 24, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 24/12/2021, मतलब दिसंबर में 24 तारीख को यहाँ पे मैंने कंप्लेंट किया था, तभी मेरे को भाई 72 घंटे के अंदर भाई मेल आ गया था कि आपका जो डेबिट कार्ड है आप उसके लिए EMI पे एलिजिबल हो। यहाँ पे देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन, प्री अप्रूव अमाउंट इज रेडी फॉर यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मतलब मैं कोई भी प्रोडक्ट EMI पे बाय कर सकता हूँ। एंड लिमिट मेरे को भाई यहाँ पे कुछ दिन के बाद देखने को मिला। सो इस तरह आप भाई कॉल करके उनसे बोल सकते हो कि मेरे को EMI पे कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है, सो मेरे डेबिट कार्ड EMI फैसिलिटी इनेबल कर दीजिए। सो इस तरह भाई कोई भी आपका बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI, HDFC, आपका डेबिट कार्ड EMI फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मेरा HDFC का मिलेनियर डेबिट कार्ड है जिसमें मेरे को भाई इतना लिमिट देखने को मिला हुआ है। और प्लस अगर आप बैलेंस मेंटेन करके चलते हो एंड इजिली आपका जो लिमिट रहेगा अपग्रेड होता रहेगा। सो होप आप लोगों को जो मैंने डिटेल दिया सब कुछ समझ में आ चुका है। सो वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।